Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. देसी मॉम इन द वे का सबको सलाम। तो जनाब सीजन तो चल ही रहा है बकरा ईद का और यहाँ पे मैं ले आई हूँ बीफ स्टू। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्विक सी रेसिपी है जिसके लिए हमने ले लिया है साबुत गरम मसाले, सारी चीज़ें क्वांटिटी के साथ मेंशन है। और हमने ले लिए थे प्याज, 3 मीडियम प्याज ले, उनको रफली स्लाइस करके हमने इसमें डाल देना है। पहले हमने इसमें तेल शामिल किया, साबुत गरम मसाले शामिल किए, फिर प्याज को सॉटे किया। सॉटे इतना करना है कि ब्राउन नहीं करना। फिर हमने उसमें शामिल कर देना है अपना गोश्त। बीफ का बन रहा है तो बीफ थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन कुकर में सब कुछ सारी चीज़ें मिला के एक साथ मिक्स करके हमने उसमें एक साथ ही जो है वो उसको प्रेशर देना है। गल भी जाएगा और टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। सारी चीज़ों को शामिल करके इसमें पानी हमने इतना डालना है कि गोश्त हमारा गल जाए। अब आप देख सकते हैं ये 15 मिनट से आधे घंटे का इसको प्रेशर देने के बाद इसकी ये शक्ल आ गई थी। उसके बाद गोश्त भी गल गया था, चेक कर लेना है, पानी ऊपर आ गया था। और अब हमने इसमें फेंट के दही को शामिल कर देना है। दही इसमें हम कम से कम 1 कप शामिल करेंगे, फेंट के शामिल करेंगे, बग़ैर फटा हुआ दही इसमें ना शामिल करें। और कोशिश कीजिएगा कि दही जो है वो पानी जो छाछ होती है ना वो इसमें शामिल नहीं होगी। तो जनाब आपने ये रेसिपी को इतना क्विकली बना सकते हैं, आप इसको डिनर में बनाएं, आप इसको किसी दावत में साइड डिश के तौर पे बना सकते हैं। बहुत ही गरम, खड़े गरम मसालों से ये तैयार हो जाएगा। और हरा मसाला इसमें शामिल करना ना भूलिए। मैंने यहाँ पर चॉप करके धनिया शामिल कर दिया है और छोटी छोटी हरी मिर्च शामिल कर दी हैं। नमक अपने हिसाब से आप इसमें चेक करना ना भूलिएगा, अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसमें नमक किया जा सकता है। बस जनाब अब यहाँ देख सकते हैं कि दही ने भी जो अपना पानी छोड़ा है वो तक ड्राई हो गया है और यहाँ पे लजीज सा स्टू तैयार हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ये रेसिपी को ट्राई करें और फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी, ट्राई करें, फीडबैक दें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।